डीपी टीम परफॉर्मेंस में चला जाता है और 5 डीपी ऑटो पुल में चला जाता है। ये पर्ल का तकसीम यहाँ पे दिखाया गया है। 5 डीपी डोनेशन रोबोटिक सॉफ्टवेयर द्वारा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर 4 के मैट्रिक से 8 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पर्ल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल ऑटो पुल पर्ल का आपके वैलेट में कैसे कैसे पहुंचता है इस पर हम लोग थोड़ा सा गौरव फिक्र करेंगे। आपका अकाउंट ओपन होते ही आप पर्ल बन जाते हैं। वहां पे सिस्टम आपको 4 अकाउंट के माध्यम से 0.4 डीपी लेवल 1 में पहला अलाउटमेंट आपको 0.4 डीपी आपको फराहम करती है। इसके बाद चर्चों का 16 अकाउंट के माध्यम से 16 डीपी आपको यहाँ पे मिलता है, शेयरिंग होता है। 16 चौका 64 अकाउंट के माध्यम से 64 डीपी आपको मिलता है। 64 चौका 256 डीपी आपको मिलता है। 256 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 1024 और ये सारा का सारा अकाउंट आपके नीचे पूरी दुनिया से सिस्टम एडजस्ट करती चली जा रही है और इसी के अनुसार आपको धीरे धीरे आपका पर्ल का इनकम जिसको हम लोग ग्लोबल ऑटो पुल बोलते हैं आता चला जाएगा। यहाँ से 5वें लेवल में 0.5 डीपी का सेलिंग से आपको 512 डीपी, इसके बाद 6ठे लेवल में 4496 यहाँ से 0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 2048 डीपी, ऐसे 8वें लेवल में 65,536 अकाउंट के माध्यम से 0.5 डीपी आपको मिलता है और 32,768 डीपी हो जाता है तमाम लोगों के शेयरिंग से। कुल मिलाकर के जोड़ दे तो हम लोग 43,856 डीपी, ये कहाँ से आया तो 87,380 अकाउंट के माध्यम से सिस्टम आपको 5-8 लेवल में इतना फराहम करती है और ये 8 बार में आपको 8 किस्त में आएगा। अब ये 8 किस्त का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, 6 साल 8 साल 10 साल में भी आपको आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। क्यों आएगा? इसलिए कि पूरी दुनिया आपके खिदमत में है। आपको 2250 का पेड़ लगाने के बाद पूरी दुनिया उसकी सिंचाई करने में लगी है और जब पूरी दुनिया सिंचाई करेगी तो सोचियो फल देना ही देना है, उसका फल आपके तक पहुंचना ही है, फल उसका मिलेगा ही। अब सिस्टम यहाँ पे कहती है कि अगर आपको पर्ल का इनकम पूरा पूरा आ भी गया है लेकिन उसका आप विड्रॉल करना चाहेंगे तो विड्रॉल करने के लिए 2 कंडीशन सिस्टम ने रखे हैं। पहला कंडीशन, 4 न्यू डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग करने होंगे, तो 4 अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो 15 चौका 60 और 125 से और 65 डीपी आपको बटुए में दिख जाता है और साथ ही साथ क्या, नीड टू अपग्रेड टू कोरल, इसके बाद दूसरा लेवल आपको अचीव करना होगा 50 डीपी से। तो आपने जब 4 अकाउंट खोला तो 65 आपको आ गया, उसी 65 में से 50 डीपी से आप साइन अप करेंगे तो कोरल बन जाते हैं। तो इस तरह से आप पहले लेवल पर्ल का जो आप जो भी अलाउटमेंट आपको आता चला जाएगा उसको निकाल सकते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल के दिनों में पर्ल बनने के बाद 10 दिन 5 दिन 2 दिन में अगर आपने कोरल कर लिया है तो आपका आता जाएगा और निकालते चलिए, और नहीं तो अगर रुके हैं तो आज नहीं तो कल उस काम को आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर उस दिन आपको पछताना भी पड़ेगा कि शायद हम कोरल कर लिए होते तो कोरल का भी ऑटो पुल मुझे भी आते रहता, जैसा कि हाल फिलहाल के दिनों में चंद लोगों का आता रहता है, तो आपका भी आना स्वाभाविक है, आएगा ही। 30 डीपी से यहाँ पे लोग पर्ल बनते हैं, 32 लाख के ग्लोबल ऑटो पुल में जाते हैं जो पूरी दुनिया की ताकत आपके साथ लगती है और आपको देने को तैयार है। अगर आपने 4 अकाउंट ओपन करा, 50 डीपी से साइन अप करा, कोरल बनते हैं 1,31,00,000, वही 4K मैट्रिक्स में पूरी दुनिया के कोरल आपके हवाले होते हैं और आपको पूरी दुनिया से 1,31,00,000 का इनकम जरूर मिलेगा। 2 अकाउंट आपने और ओपन करा और 100 डीपी से साइन अप करा, ऑनिक्स आप बनते हैं, अब पूरी दुनिया के ऑनिक्स 4K मैट्रिक्स में आपके नीचे सस्ते चले जाएंगे और 3,93,00,000 का हकदार आपको बना करके छोड़ेंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करी और 2 अकाउंट और 1,000 डीपी से आपने साइन अप करा तो जो क्वार्ट्ज का लेवल है आप अचीव कर पाएंगे और क्वार्ट्ज जब बन जाएंगे तो पूरी दुनिया के क्वार्ट्ज आपके हवाले होते चले जाएंगे। ये सिस्टम आपके लिए खिदमत में खड़ी है, पूरी दुनिया के क्वार्ट्ज आपके नीचे आते चले जाएंगे और यहाँ से 39 करोड़ का ऑटो पुल आपको पूरी दुनिया से मिलेगा। तो इस तरह से 2 अकाउंट और 5,000 डीपी से साइन अप करते हैं तो एमेथिस्ट बनते हैं और 196 करोड़ के हकदार बनते हैं जो पूरी दुनिया की ताकत से आपको मिलने वाला है। 10 अकाउंट और 10,000 डीपी से साइन अप करते हैं तो आप टोपाज बनते हैं। कई शख्सियतें यहाँ पर टोपाज के रूप में मौजूद हैं, तो वे लोग 393 करोड़ के ऑटो पुल में हैं और हम लोगों की भी निगाहें वही है कि हम लोग भी जल्दी से जल्दी तमाम लेवल्स को अचीव करें और 20,000 डीपी अगर आप टॉप अप करते हैं तो रूबी बनते हैं। दुनिया के तमाम बनने वाले रूबी
आपके लिए आपका शेयरिंग करेंगे और सिस्टम आपके हवाले करती चली जाएगी और 786 करोड़ का ऑटो पुल आपके हवाले करेगी। अगर आपने हिम्मत जुटाई और सातों लेवल को अचीव कर दिया तो 1419 करोड़ आने वाले वक्तों में आपके घर में होगा। तो ये बहुत बड़ी सिस्टम है, बड़ी ईमानदारी के साथ आपके हवाले हो रही है। बस जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को अपने दिल से कबूल करके इसको बढ़ाते चलना है, और इसलिए बढ़ाना है कि हम और आप मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें और आपको मिलेगा। शोहरत न मिल सकेगी बुजुर्गों के नाम से, शोहरत न मिल सकेगी बुजुर्गों के नाम से, लोग तुम्हें जानेंगे तुम्हारे ही काम से। तो खुद अपने काम से अपनी जिंदगी को आबाद कर सकते हैं, दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। गुर्बत में कोई पूछने वाला नहीं होता, सम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो ये पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके ये सिस्टम आपको देने के लिए तैयार है। तो आइए फास्ट ट्रैक इनकम क्या है इस पर हम लोग नजरशानी करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ब्लू लाइन का चेहरा देख रहे हैं, मैं इनको मान लेता हूँ कि ये तमाम लेवल अचीव करके बैठे हैं। इसलिए मानता हूँ कि इनके नीचे जो भी लोग लेवल लेंगे, अगर तमाम लेवल्स आप ले चुके हैं तो आपके 8 लेवल में जो भी जहां भी लोग लेवल लेंगे उस लेवल इनकम का आपको जरूर मिलेगा। तो लेवल 1 में अगर आपने लगातार 10 अकाउंट ओपन किए तो 15 डीपी यहां से आपको मिलता है और 150 डीपी मतलब 11,250 डीपी आपके हवाले होता है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी और 100 अकाउंट लेवल 2 में आपके खुल चुके हैं और वे 100 अकाउंट जिस दिन भी कोरल करेंगे वहां से 20-20 डीपी तमाम लोगों से आपको मिलेगा। लेकिन इसी पर हम लोगों को फोकस करना है कि डायरेक्ट ऑनिक्स अपने डायरेक्ट में 10 ऑनिक्स बनाना है और उन 10ों के साथ भी मेहनत करके उनका भी 10 ऑनिक्स बनवाना है, जैसा कि हमारे महामहिम विजय पंडित सर 10 के मैट्रिक्स पे हम लोगों को बराबर बात करने के लिए बोलते हैं और उसी पर आमादा रहने को बोलते हैं, और हम लोग उन्हीं के बातों को पूरी इत्मीनान और सुकून के साथ समझ करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मेहनत करी और 1000 अकाउंट आपके लेवल 3 में आ चुके हैं तो जिस दिन भी ये ऑनिक्स बनेंगे 40-40 डीपी आपको देंगे और यहाँ से 40,000 डीपी आपको मिलेगा, जिसका इंडियन करेंसी 30 लाख हो जाता है। थोड़ा सा और क्वार्ज अगर आपके 1000 लोगों के द्वारा 10-10 अकाउंट्स खोले गए तो 10,000 अकाउंट्स लेवल 4 में आपके हो जाते हैं। ये सब आपके क्वार्ज हैं। अगर इन लोगों के साथ आपने मेहनत करी, जिस दिन भी ये क्वार्ज करेंगे 400-100 डीपी तमाम लोगों से मिलेगा, 40,000 डीपी 40 लाख डीपी आपको यहाँ से मिलेगा और ये 30 करोड़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी रकम है और बहुत बेहतरीन इनकम है फास्ट ट्रैक इनकम। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ, सीधे सीधे प्लान पे आ रहा हूँ। आपकी मेहनत आपकी इनकम, इसलिए कि प्लान तो पर डे होता है, लेकिन आज हमारे सत्यपाल सर जो बहुत ही डायनेमिक लीडर और पूरी दुनिया में इनको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से अपने अपने आप को साबित करके सर ने रखा है और हम लोगों के बीच आज तकरीबन लाइव आने वाले हैं। तो अब आइए बिग बोनांजा 2020 जो 7 फरवरी 2020 को सिस्टम ने लॉन्च किया और जिन लोगों ने इस सिस्टम को समझा, जिन लोगों ने विश्वास किया, आत्मविश्वास के साथ जिन लोगों ने इस सिस्टम को समझ लिया है, वे लोग 7:30-9:30 रात को तैयार थे, 20 डीपी 40 डीपी 100 डीपी और 200 डीपी लेकर के तैयार थे। और जैसे ही सिस्टम खुला लोगों ने साइन अप किया तो उसका फायदा ये हुआ कि एगेट जिनका सबसे पहले गया उनको 65 लाख मिल चुका, अमेजोनाइट 40 डीपी से जिन लोगों ने किया आज कई राउंड के पैसा उनके पास आ गए हैं, 196 करोड़ में कई लाख उनके पास भी आ चुके हैं। अंबर जिन लोगों ने उसी वक्त साइन अप किया था, 100 डीपी से अंबर किया जाता है। अंबर करने के बाद जो भी लोग पूरी दुनिया में अंबर करते हैं 4K मैट्रिक्स में आपके नीचे आते हैं और 4.91 करोड़ आपके हवाले होता है, तकरीबन 5 करोड़। बेरिल जिन लोगों ने 200 डीपी से किया था तकरीबन 10 करोड़ 9 करोड़ 83 लाख ये सिस्टम आपको पूरी दुनिया से इकट्ठा करके 4K मैट्रिक्स में देती है। अभी अभी 14 अप्रैल को एक्सेलसियर जिन लोगों ने किया है, जिनका पहले हो गया 500 डीपी से एक्सेलसियर किए हैं, आज करें या कल मिलेगा उसका फल जरूर। तो 500 डीपी से जो लोग एक्सेलसियर किए हैं इनको पूरी दुनिया से तकरीबन 20 करोड़ का ऑटो पुल आने वाला है, जो कई लोगों को ढेर सारा 4-5 ऑटो पुल आ भी चुका है। तो इसमें मेहनत करने की जरूरत है और दिल से पूरी इत्मीनान और सुकून से आत्मविश्वास के साथ इन तमाम लेवल्स को लेने की जरूरत है। और जिन लोगों ने लेवल लिया है आज वो कामयाब है और उनको ढेर सारे ऑटो पुल भी आ चुके हैं। बिग बोनांजा का टीम परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके टीम में अगर कोई
एगेट करता है तो यहाँ से एक डीपी, कोई अमेजोनाइट करता है तो 2 डीपी, और कोई अम्बर करता है, और अगर आप ऑनिक्स है तो 5 डीपी, कोई बेरिल करता है, अगर आप क्वार्ज है तो 10 डीपी, अगर आप आपके टीम में कोई एक्सेलसियर करता है, अगर आप एमेथिस्ट है तब आपको 20 डीपी मिलेगा। तो इस तरह से टीम परफॉर्मेंस यहाँ पे 38 डीपी तमाम बोनांजा टीम से आपको मिल जाता है। तो हम लोगों को आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम को एक साथ लेकर के चलना होगा और मेहनत करना होगा। फॉर्चून वैलेट जो सिस्टम ने हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों के हवाले किया है, पर्ल जो भी लोग थे उन लोगों को एक एक डीपी का शेयरिंग हुआ है। अब यहाँ पे कोरल जो भी लोग हैं, जैसे ही लोग कोरल बन रहे हैं, मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर उनका 1.5 डीपी भी आ जा रहा है। ऑनिक्स वालों को सिस्टम 2 डीपी गिफ्ट के रूप में दे रही है, क्वार्ज वालों को 5 डीपी दे रही है, एमेथिस्ट वालों को 12 डीपी दे रही है, और टोपाज वालों को 25 डीपी दे रही है, और रूबी वालों को 50 डीपी दे रही है। तो इस तरह से ये सिस्टम बहुत ही शानदार, जानदार, ईमानदार है, और हम लोगों को दिल से करने की जरूरत है। नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आज माता जा, नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आज माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आइए यूज डीपी, डीपी को आप हम लोग, हम और आप कैसे यूज करते हैं इसकी जानकारी तमाम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर ई वैलेट के रूप में इस डीपी का हम लोग यूज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल कर सकते हैं, और कई काम आप फ्राहम इससे कर सकते हैं, बैंक विड्रॉल भी आप कर सकते हैं। तो तकरीबन 10-15% आपका बैंक विड्रॉल करने में आपका डिडक्ट हो जाता है। और सबसे बेहतरीन काम यहाँ पे जो आप और हम कर सकते हैं, ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट्स में, नए अकाउंट को ओपन करने के लिए या फिर लेवल अपग्रेडेशन में इस डीपी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो करो मेहरबानी तू अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरसे जमी पर। आज विक्ट्री स्कूल तमाम लोगों के ऊपर मेहरबान है और तमाम लोगों के साथ वेलकम करती है और तमाम लोगों को सिखाने का काम करती है। बहुत दूर दूर से लोग आकर इस विक्ट्री स्कूल का फायदा उठा रहे हैं और अपने जीवन काल को, अपने जीवन को ब्राइटनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मैं अब कहना चाहूंगा कि दिल पर्ल वाइन में अपना लगाते रहो और शौक से विक्ट्री स्कूल में आते रहो। दिल पर्ल वाइन में अपना लगाते रहो, शौक से विक्ट्री स्कूल में आते रहो। पैर चूमेगी कदम, मगर शर्त यह है कि कदम तुम आगे बढ़ाते रहो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वक्त का लिहाज करते हुए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच से रुखसत होना चाहा। तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करना चाहूंगा। पर्ल वाइन विल नेवर एंड। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आते शाम अनवर सर, ग्रेट प्लान प्रेजेंटेशन आपका रहा, और मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगा कि सर का धन्यवाद हैंडराइज के माध्यम से करें, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में ताली तो नहीं ठोक सकते हैं। जी बहुत कम लोगों का हैंडराइज आ रहा है, अभी तक मात्र 80 लोग ही हैंडराइज किए हैं, जहाँ की हम देख पा रहा हूँ 468 लोग उपस्थित हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आगे समय का लिहाज करते हुए आज के ग्रेट पर्सनालिटी मुख्य वक्ता के रूप में जो आए हैं सर, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और सर की बातों को सुनने के लिए यहाँ पे सभी लोग उत्सुक हैं। तो मैं आप सभी से एक बार फिर उनके आगमन के लिए मैं स्वागत में आप सभी से हैंडराइज करना चाहूंगा। जी मोस्ट वेलकम है सर, डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध सर, आप आए सर और अपनी बातों से हम लोगों को रूबरू करें। जी डॉक्टर सत्यपाल बौद्ध सर, जी सत्यपाल बौद्ध सर, क्या मेरी आवाज जा रही है? कृपया
सर लगते हैं बहुत व्यस्त हैं, कृपया धैर्य बनाए रखें, सर आएंगे जरूर। सर का लगता है टाइम से पहले आगमन किया जा रहा है, मैं लिंक में देख पाया था 8:50 में सर का टाइम था। जी सत्यपाल बहुत सर, क्या मेरी आवाज जा रही है? हेलो हेलो हेलो, जी, आवाज नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? वेलकम वेलकम, आपका सर स्वागत है सत्यपाल सर। अच्छा, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी हाँ सर, आ रही है, जबरदस्त। अच्छा, जय भारत, जय भगवान, जय भारत। सभी सम्मानित साथियों को, बहनों को, भाइयों को, बेटियों को, सीनियर लीडर्स, यूनियन लीडर्स, वे सभी पहलवान के सिपाहियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सुबह के 11:15 है, तो यहाँ बोल लेंगे बोइनस डियास, आपके इंडिया में गुड इवनिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, अभी मैंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन सुना, सही मानों में सच कहा जाए तो जूम मीटिंग की जान होती है प्लान प्रेजेंटेशन। जूम मीटिंग की जान, अगर किसी ने प्लान प्रेजेंटेशन को ठीक से सुन लिया, समझ लिया, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे थे हमारे मित्र, एक एक चीज उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके समझाई है कि मैं क्या बताऊं। तो साथियों, मैं अब शुरू करता हूं। पहले मेरा परिचय बहुत लंबा है। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं 11 जनवरी 1950 को भारत में उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की तहसील बागपत के गांव ओगटी पटोली सैदपुर ढिकोली के बीच में गांव सिखड़ा, वहां मेरा जन्म हुआ 11 जनवरी 1950 को। 71 साल मेरी उम्र है अभी। 14 साल जीवन के गांव में बिताए। मेरा गांव ऐसा था, मैं क्या बताऊं आपको, वहां कोई डॉक्टर हकीम वैद कुछ नहीं होता था, जो बीमार होता था वो मरी जाता था। मेरे चाचा बीमार हुए और एक्सपायर हो गए, जवान ताऊ बीमार हुए और एक्सपायर हो गए। यहां तक मैं क्या बताऊं आपको, मेरी माता बताती है कि हम 14, उनके 14 बच्चे हुए जिनमें से हम 4 ही बच पाए, बच्चा बीमार होता तो मरी जाता था, ऐसा गांव। तो साथियों, मेरी बहन की शादी, उसमें कुछ कर्जा हो गया, मेरे पिता मजदूर किसान, 8वीं क्लास में मैं एमजीएम इंटर कॉलेज में आया, वो फीस नहीं दे सके, तो मैं गुस्सा हो गया। मैं बोला क्या है, मैं तो पढ़ने में बहुत होशियार था, थ्रू आउट फर्स्ट, पहली से 8वीं तक फर्स्ट क्लास रहा, अपनी क्लास का मॉनिटर रहा, हर चीज में मेरी रुचि थी, लेकिन ये क्या, वो बोले नहीं है 7.5 रुपए, अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। मैंने कहा क्लास टीचर ने मना कर दिया, आप नहीं आएंगे, यदि आप पहले महीने की बिल्डिंग फीस नहीं देंगे तो। साथियों, मैंने निश्चय किया, मुझे तो पहले ही पसंद नहीं है, मुझे यहाँ रहना, ये मेरी जन्मभूमि पर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कि एक दिन एक आदमी आया, मेरे पिताजी से बोला, ये पैसे देने थे, गांव के लोग मेरे पिताजी का बहुत सम्मान करते थे, सम्मान से उनको महाशय जी कहते थे, महाशय जी। तो बोले महाशय जी, ये पैसे तुमने नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे अंदर मार्थ और प्रीत भक्ति कूट कूट कर मेरे ब्लड में बसी हुई थी। मैंने कहा, मेरे सामने मेरे पिताजी को इस तरह तेज बोल रहा है, तो देखिए मेरे पड़ोस में एक मौत हो गई, फिर 20 साल की औरत की, वो उसको लेकर के चले गए शमशान घाट, सारा गांव मोहल्ले में चले गए। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आज ही गांव छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। अरे कैसे भाई, क्यों जा रहा? मैंने कहा नहीं, मुझसे अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पिताजी का कोई अपमान करे। साथियों, मेरे परिवार का ही एक फरीदाबाद चला गया था, मेरे ताऊ एक, उनका एक लड़का ईश्वर सिंह, वो कभी कभी गांव आ जाता था जब मन आत्मन करता था, वो हमारे घर में ठहरता था। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, ईश्वर भाई प्लीज मेरे पे मेहरबानी कर दे, मुझे गाजियाबाद, तू फरीदाबाद जाएगा, मुझे गाजियाबाद छोड़ देना। साथियों, गांव से हमने तांगा पकड़ा, घोड़े तांगा होते थे उस समय, बट्टे तक गए, वहां से टटीरी गए बस से, टटीरी से फिर ट्रेन में गए सादरे तक, और सादरे से गाजियाबाद बस से, 4 बदल करके 10 बजे के चले हुए, 5 बजे में गाजियाबाद पहुंच गया। वहां मेरी बहन थी, मैं बहन से मिला, बहन मैं तो गांव छोड़ा हूँ, भरे थे तो पढ़ने की उम्र क्या क्यों चलाया, कि पिताजी ने फीस के पैसे नहीं दिए, मैं नहीं रहूंगा गांव में, मैं यही रहूंगा, बता तू मुझे अपने पास रखेगी कि नहीं। कह लगे ठीक है, मेरे बहने बोले चिंता मत कर तू, लेकिन करेगा क्या? मैंने कहा कुछ भी कर लूंगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरी जो 8वीं किताब का टाइटल होगा, हीरो, जीरो से हीरो या कोड़ी से करोड़पति।
लिख रहा हूँ अभी, जब रूबी हो जाऊंगा तभी प्रकाशित कराऊंगा। तो साथियों में मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी थी, किराए में मेरा दूसरे ने दिया, लेकिन मैंने निश्चय किया क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था अच्छे दिन मेरे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और आदमी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या करूं। उनके बड़े भाई बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर थे, बोले भाई इसको ले जा मजदूरी करेगा और क्या करेगा, ये पढ़ने का नहीं है तो करेगा। अगले दिन वो मुझे ले गए। मैंने कहा बहन 3 दिन तेरे घर खाऊंगा, चौथे दिन जो है मैं अपने खाने का पैसा दूंगा। मेरी मौसी ने कहा ठीक है 20 रुपए महीना दे दे करिए। मैंने ठीक है। साथियों में 2 रुपए रोज से काम मैंने शुरू किया, अपनी जिंदगी शुरू की अपने इसी सर से। आपको यकीन नहीं आएगा गाजियाबाद में 2-3 बिल्डिंग है, उनकी एक एक ईंट मेरे सिर से गुजरी है। एक दिन मेरा एक मित्र अमरता, वो बोला हाँ अरे तुझसे सीमेंट का कट्टा 3 मंजिल पे लेके चढ़ाया नहीं जाता ठीक से, तेरे पैर डगमगाते हैं। मैं बोला इमरता भाई बेलदारी करने वाला आदमी लंबे समय के बाद वो राजमिस्त्री बन जाता है, राजमिस्त्री तुझे ही बनना है। मैं तो बड़ा आदमी बनने के लिए आया हूँ, गांव छोड़ा है मैंने, शहर में आया हूँ। वो हंसने लग गया तू और बड़ा आदमी। मैंने कहा हाँ भाई याद रखना मैं आऊंगा तुझे एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाने के लिए। साथियों मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन इस तरह का है मैं बता नहीं सकता आपको। 1 साल तक मैंने पत्थर ढोए ईंट ढोई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बीच बीच में कभी कभी मेरे दिमाग में आती थी बात, आज मेरे साथी स्कूल में पढ़ रहे होंगे और मैं यहाँ देखे बेलदारी कर रहा हूँ। साथियों मजदूर से मैं टर्नर बना और टर्नर से मैं स्पेशल ऑर्गेनाइजर बना एक कंपनी में, और उसके बाद में इंस्पेक्टर बना, और उसके बाद में आखिर में डेवलपमेंट डायरेक्टर बन गया सम्यक सेविंग इंश्योरेंस कंपनी में। और मैंने उस समय बिहार भी देखा, बिहार के 5-6 डिस्ट्रिक्ट तथागत इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से मैं गया था, उस समय इंस्पेक्टर था। मैंने भागलपुर, आपका खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्णिया और पटना ये सब देखे, सब घूमा। और 1987 में मैं भारतीय बौद्ध महासभा का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था गाजियाबाद का। उसके समय में मैं बिहार में गया, बोध गया भी मैंने देखा, वैशाली देखी, राजगिरी देखी, ये सब मैंने घूमा था। तो बताना चाहता हूँ आपको मैंने 0 से जिंदगी शुरू की और मैं डेवलपमेंट डायरेक्टर तक आ गया। और मैंने बीते 25 सालों में गाजियाबाद में अपना पढ़ाई की साहित्य रत्न जटलाइक बीए चलते चलते, और मेरी शादी हुई अपनी बहन की शादी की धीरे धीरे, और मैंने अपने मकान खरीदा जीडीए से, मेरे पास स्कूटर था, डेवलपमेंट डायरेक्टर था, 2500 रुपए तनख्वाह थी। अचानक से 1983 में मैं सामने भिक्षु बनकर मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन के बाद में हम वंदना करते हैं सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु चेखे मिनो सबे भद्राणी पश्यंतु महाकंचित गुमागमा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सबके भले में अपना भला हो। अचानक मेरे दिमाग में आया, साथियों जिसको आप ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान कहते हैं मैं उसे प्रकृति कहता हूँ, प्रकृति ही मेरा भगवान है। वैसे मेरे शब्दों में मेरे माता पिता मेरे सबसे पहले भगवान है, उन्होंने मुझे पैदा किया और उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया आज संसार का सुख देखने के लिए। माता पिता के बाद प्रकृति भू मेरा भगवान है, वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु आसे आग नैसे नीर भगवान प्रकृति। तथागत बुद्ध कहते हैं ये चार हैं आग पानी मिट्टी हवा, और 4 उनके गुण हैं, ये बन जाते हैं 8, इसको कहा अष्टकला। दुनिया में आज जो कुछ भी धरती पर आपको दिखाई दे रहा है वो इन अष्टकलापों से ही बना है, इसलिए प्रकृति मेरा भगवान है। तो प्रकृति में से मैंने वंदना की कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। मैंने दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान तक निशुल्क निस्वार्थ 20 लोगों को ट्रेंड किया, संगीत सीखा, गाने सीखे, गीत लिखे, किताबें प्रकाशित कराई, प्रचार किया। साथियों उसी समय मुझे लगता है ये जो मैंने निशुल्क निस्वार्थ जो मैंने प्रचार प्रसार किया था तो उसी का फल मुझे मिला। एक दिन मेरी मेज पे लिफाफा रखा था, वो आया था लीबिया से। लीबिया में मेरे एक चाची के भाई मेरे डॉक्टर मामा जिन्होंने दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से MBBS करके MD करके वो चले गए थे, और उन्होंने 25-30 साल के अंदर इतना पैसा कमाया कि नेहरू प्लेस में आज भी उनकी कोठी है करोड़ों रुपए की। वो करोड़पति 91 में बन चुके थे। उनको देख करके मैं प्रभावित हुआ। मैं बोला मामा जी मैं भी आपकी तरह से तरक्की करना चाहता हूँ, कि ठीक है मैं तुझे विदेश भेज सकता हूँ। उन्होंने मुझे उत्साहित किया, मैंने पासपोर्ट बनवाया, कहा भाई टिकट तुझे खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता तू अकेला जा, अपनी पत्नी और 4 बच्चों को लेके जा, बस टिकट का इंतजाम तू कर ले, वीसे का इंतजाम मैं करूंगा, तेरा वहां रहने सहने का सब इंतजाम करूंगा। साथियों मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले नहीं भाई मुझे नहीं पता। मैंने कहा मेरे तो मकान है। हाँ तो मकान बेच दे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। साथियों उस दिन मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया, जीडीए का वो ऑथराइज कॉलोनी में मेरा 2 रूम का सेट का मकान, वो उस समय 2 लाख रुपए कीमत की मैंने वो बेच दिया 1,15,000 का। मैंने कहा मामा जी मैं तो सड़क पे आ गया, मकान मैंने बेच दिया। एक मकान मैंने माँ को लेके दिया था, माँ उसमें रहती थी। माँ बोली भैया ठूक अपना मकान बेच दे तू। तो मैंने बेच दिया, उनको कहा तो बाकी जो पैसे कमी पड़ी 2 लाख रुपए का टिकट था मेरी पत्नी 4 बच्चों का ब्राजील तक आने जाने का।
ब्राजील से फिर बोलिया मुझे पहुंचना था। तो साथियों लंबा विस्तार में न जाते हुए मैंने निश्चय लिया, रिस्क लिया और घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जेवर बेच दिए और मैं यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिया में आ गया। कहाँ है ये साउथ अमेरिका साथियों? ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सलवाडोर, उरुग्वे, पराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, 14 देश के बीच में एक देश है बोलिविया, छोटा सा देश है। क्षेत्रफल तो इनके पास बहुत बड़ा लेकिन आबादी मात्र 1.5 करोड़ की है। यहाँ भी अभी कोरोना है, यहाँ भी आया था मार्च में लॉकडाउन लगा था। तो साथियों कार्य का कारण बनता मेरी पांचवी किताब है। पहली किताब है भारत से बोलिया तक संघर्ष में यात्रा, दूसरी किताब का नाम है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, पूरी मेडिटेशन पर है, तीसरी किताब है क्या यीशु मसीह बौद्ध थे, क्योंकि यहाँ ये 100% सारे लोग क्रिश्चियन है। जब इन्होंने मुझे कहा तुमने बाइबिल नहीं पढ़ी, मैंने इंडिया से मंगा के बाइबिल भी पढ़ी, साथियों मैंने गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, बाइबिल भी पढ़ी, वेद भी पढ़े, रामायण सब कुछ पढ़ा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे ये यीशु मसीह तो हमारे भारत में रहते तो बुद्धिस्ट है, बहस करने लग गए। मैंने कहा मैंने प्रूफ दिखाया, फिर मैंने किताब लिख डाली, छपवा डाली क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। और पांचवी किताब है भारतवर्ष की गुलामी के कारण, हमारा देश वैसे तो 2000 लेकिन बाद के 900 साल कैसे गुलाम रहा, पहले मुगलों का और फिर अंग्रेजों का, उसका विवरण मैंने दिया है कि कैसे रहा गुलाम। और आखिरी किताब है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो साथियों प्रकृति का परिवर्तन चलते रहता है। अभी लॉकडाउन कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया, सब लोग तबाह बर्बाद, भगदड़ मच गई, लोग धड़ाधड़ मरने लगे। अमेरिका, अमेरिका साथियों तीन है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, लोग तो अमेरिका अमेरिका करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। मैं दक्षिण अमेरिका में हूँ, दक्षिन अमेरिका के बारे में मैंने कई देश के घूमे हैं और सेंट्रल अमेरिका के मैं मैक्सिको तक गया हूँ, नॉर्थ अमेरिका भी नहीं गया, वो मुझसे बहुत दूर है, वो इतना दूर है कि अगर मैं जाऊंगा 1,00,000 रुपया टिकट का लगेगा, 20-25 घंटे लगेंगे। तो साथियों मैं ये बता रहा हूँ कि साउथ अमेरिका के देश बोलियों में मुझे 30 साल हो गए। बीते इन 3 सालों में जिस तरह से मैंने भारत में रहते हुए संघर्ष किया, जीरो से जिंदगी शुरू करके मैं कहां तक पहुंचा मैंने बता दिया, उसी तरह जब मैं यहाँ आया मेरी जेब में उस समय मात्र $50 थे, वो भी मुझे मेरे डॉक्टर मामा के एक मित्र जो कौंसुल थे ब्राजील में उन्होंने दिए थे, क्योंकि वहां तक सारे पैसे खत्म हो गए थे, ब्राजील तक वीसा लगा के यहाँ भेज दिया। तो देखिए फिर मैंने यहाँ से फिर जीरो से जिंदगी शुरू की अपनी। साथियों यहाँ मैं सबसे पहले गांधी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट भी मामा ने बनाया था उसका मैं मालिक बना दिया और उसमें मैंने काम किया, लेकिन कमी क्या थी, ना तो मुझे वो स्पेनिश आती थी, यहाँ हिंदी अंग्रेजी को मान्यता है, हिंदी अंग्रेजी के अलावा कोई जानता नहीं, उसको मान्यता भी नहीं। बहुत दुखी परेशान, 1 साल काम किया, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने कहा मामा जी हम तो वापिस जाना चाहते हैं, आइए हमें वापिस दीजिए। बोले नहीं, तू निश्चय करके आया था कामयाब होना है। वो आए हैं, 10 दिन रुके और कुछ मदद करके चले गए, एक स्टार ट्रांसपोर्ट कंपनी बना के चले गए, लेकिन यहाँ उनमें 3 पार्टनर थे, उन्होंने भी धोखा किया, गद्दारी की। मैं बता नहीं सकता 7 साल मेरे कैसे गुजरे, यहाँ मर मर के मैं बचा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, निश्चय किया था कि कामयाब होना है। अंत में एक दिन मेरी माँ का फोन आया, बहन का फोन आया, भैया माँ मरने के कगार पर है, वो कहती है जब तक उसकी शक्ल नहीं देखूं मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मैंने पत्नी से कहा मेरी माँ बीमार है, पत्नी बोली तुम माँ को भगवान कहते हो और माँ बीमार है मर सकती है, तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, चले जाओ। साथियों मैंने उसी समय कार बेच दी, $5,000 की, $2,500 की बेच दी, बस $62,000 की खरीदी थी, $20,000 की बेच दी और देनदारी सब कुछ करके $4,000 बच्चों को दे करके मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। भारत आया, 3 महीने माँ के पास रहा, माँ बिल्कुल ठीक होगी इस बार माँ ने आशीर्वाद दिया। पहली बार माँ रो रही थी, आशीर्वाद नहीं दिया था, मैं सच बता रहा हूँ, माँ ही सबसे बड़ा भगवान है। 7 साल 3 महीने रह करके जब मैं यहाँ लौटा, फिर मैंने देखिए स्पेनिश भाषा सीखी, ये बहुत कठिन भाषा है, अंग्रेजी के बाद दरअसल इंटरनेशनल पहली भाषा अंग्रेजी क्यों हुई, क्योंकि सारी दुनिया में अंग्रेजों का राज रहा, दूसरी भाषा ये, और आप आश्चर्य करेंगे स्पेनिश में से ही इंग्लिश निकली है, लेकिन ये इंटरनेशनल नहीं हो पाई, ये दूसरे नंबर पे रह गई, ये आज 24 देशों में बोली जाती है। तो सबसे पहले मैंने इस भाषा को सीखा, भाषा सीख करके फिर मैंने इंडिया से जो मेरे पास डिग्री थी साहित्य रत्न की उसकी स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाई, कितनी मुसीबतें मुझे आई। उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया शोभो मित्रा इंस्टीट्यूट में, $50 फीस थी, दिन में मैं काम करता था और रात को मैं पढ़ता था, 3 साल की कठिन पढ़ाई में मुझे डिग्री मिली और मैं नेचुरोपैथिक का डॉक्टर बन गया। साथियों मैंने बच्चों को कहा मुझे मुसीबत आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, खूब पढ़ो। चारों बच्चों को मैंने, 3 बेटी 1 बेटा, बड़ी बेटी मेरी संगीत्रा गौतम आज MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरी बेटी सुजाता बौद्ध वो भी MR बन गई थी, उसके पति ने बाद में शादी के बाद कहा नहीं जॉब नहीं करेगी, तीसरी बेटी मेरी विपश्यना बौद्ध वो स्पेन में है,
वो भी वही है, वो खुश है बहुत, वो भी वो सबसे बड़े सारे बच्चों में सबसे ज्यादा खुश वही है। चौथा मेरा बेटा शिलांकर बौद्ध, वो मेरे साथ नेचुरोपैथी का डॉक्टर मेरी तरह ही बन गया है। तो साथियों मैं सफल हो गया, कामयाब हो गया यहाँ कि मैंने घर बनाया, बहुत बड़ा मकान है, लेकिन मेरा सपना अधूरा, मैं तो करोड़पति बनने के लिए आया था, वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन देखिए प्रकृति का कारण, प्रकृति ने चेंजिंग की, कोरोना आ गया, कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान बर्बाद हुए। देखिए कोरोना और लॉकडाउन से लोग हुए बर्बाद, मगर पढ़वाइन से देखो लोग हुए आबाद, लोग हुए आबाद। में अपनी बात बताऊं और करूं काम घर बैठे, कहीं मैं ना जाऊं, कहे वो सतपाल पढ़वाइन अपनाओ, अरे खुद भी बनो धनवान औरों को धनी बनाओ। साथियों कोरोना के कारण जब मैं यहाँ बंद हो गया, घर पे निकल नहीं सकता था, ना मरीज मेरे आ सकते थे, मैं तो $2,000 कमाता था। अचानक भारत से एक मेरे मुकेश कुमार पंडित, उनके यहाँ रहा था मैं 2019 में 6 महीने तक। एक मेरा भाई एक्सपायर हो गए थे, उनका कागज बनवाना था, एक बेटी को सर्टिफिकेट चाहिए था, उसके लिए 8 महीने रहा उनके पास। उनका फोन आया, उन्हें कहा बोध जी क्या कर रहे हो, कहाँ हो तुम? अरे मैंने कहा मत पूछो यार, ये कोरोना ने तो तबाही मचा दी है। अमेरिका में उस समय 1,00,000 लोग मर चुके थे, यहाँ भी 3-4-5 हजार लोग मर चुके थे। मैंने कहा मैं तो लॉकडाउन में बंद हूँ, अरे घर में बंद हूँ, हम कुछ कर नहीं सकते और मेरा तो नुकसान हो रहा है। बोले चिंता ना करो। उन्होंने मुझे कहा पर्लवाइन का नाम सुना? मैंने कहा नहीं सुना। उन्होंने कहा ये लो मैं प्लान भेज रहा हूँ। आज साथियों विज्ञान का युग है, जिसको लोग कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 3 युग सुने, चौथा ये युग कलयुग है। मुझे तो ये कलयुग ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कलम का युग है, कर्म का युग है, साइंस का युग है, मशीन का युग है, कर्म का युग है। मुझे तो ये अच्छा लगा। आज से 7-8 साल पहले जब मैं इंडिया फोन करता था, 5-10 मिनट बहुत करता था, तब बिल आ जाता था 10,000 रुपए का। लेकिन आज आपके सामने मैं बैठा हुआ सात समुंदर पार आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बिल नहीं आ रहा, तो कितना अच्छा ये का, ये कलयुग कर्म का युग, कलम का युग। तो साथियों मैंने फौरन उनका ये प्लान पढ़ा, देखा, और उसी समय 1 मिनट नहीं लगाई, मेरी बेटी आई हुई थी, मैं बेटे ये देखना जरा क्या है, ये कैसे करना है इसमें, उसने उंगलियां चलाई, लो पापा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। वो दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाती है रोजाना, एमआर है उसका, ऑफिस यहाँ से नजदीक पड़ता है। तो साथियों फिर मैंने फोन किया, मुकेश जी ने कहा कि आप जो है $30 या $50 भेज दो। क्यों? कि $30 से आप पारल हो जाओगे, $30 से आप अगेट हो जाओगे, 94 लाख के प्लान में आ जाओगे। मुझे उस समय कुछ नहीं पता था क्या अगेट क्या पारल। मैंने कहा ठीक है, मैंने बेटी को दिए $50, 5 दिए भेजने के $55। मेरी बेटी के पास परमिशन थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उसके पास परमिशन थी, उसने वो पैसे भेज दिए इंडिया में और उन्होंने मेरी एंट्री की। अगले दिन मेरे मोबाइल में आ गया, मैं पर्ल हो गया, 94 लाख का मालिक बन गया। तो बोले तो कमाल हो गया भाई, अरे लॉकडाउन में मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साथियों फिर उन्होंने कहा आप काम करो, क्या करना है कि जो काम आपने किया दूसरे को बताओ। ठीक है साथियों मैं क्या बताऊं आपको, बीते मेरे पिछले 40-50 साल के अंदर अंदर भारत और नेशनल और इंटरनेशनल की करीबन 15 कंपनियों में मैंने काम किया था, नेटवर्क की कंपनियों में। लेकिन जब भी मैं भारत जाता था कोई मुझे पकड़ लेता था, लो जी रेडियस में लगा दो 50,000 ले लिए, यहाँ आया बंद होगी वो, तो फिर गया सोशल ट्रेड में लगा दो, लगा दिए 1,00,000 रुपए, यहाँ आया बंद होगी। मेरे कहने से मेरी बहन मेरे रिश्तेदारों ने लगाए, उनके भी सबके मर गए पैसे। इतना दुखी कितना परेशान, जब भी मैं भारत जाता था कोई ना कोई पकड़ लेता था। कहने का मतलब भारत नहीं, विदेशों में भी, भारत में भी हजारों इस तरह की कंपनियां आई बंद हुई चली गई, आ रही है बंद होंगी चली जाएंगी, और आती रहेंगी बंद होती रहेंगी। लेकिन ये पर्ल वाइन एक ऐसा पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम बनाया डैनियल जॉनसन जी ने कि कमाल कर दिया इसको, लोगों ने क्या नाम दिया आज 8वां अजूबा। वाकई में ये 8वां अजूबा है, किसी को बताए तो यकीन नहीं करता आदमी, क्या 2250 के बदले 32 लाख कौन दे देगा, कहां से दे देगा। अरे भाई ये ऐसा प्लान है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, पर्लवाइन का दावा है, तुम उससे दोस्ती करो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। बस कम से कम शुरू तो करो, शुरू करने के लिए $30 कुछ भी नहीं होते, 2250 रुपए क्या होते। आज के समय में एक मजदूर आदमी, एक भिखारी भी 2250 रुपए जोड़ सकता है। साथियों ये जोड़ो, बस $30 से एंट्री करो, $20 से अगेट में आ जाओ और इसके बाद तुम शुरुआत करो। ये कोई कंपनी नहीं है, अभी तक जो आप सुनते रहे वो सारी कंपनियां थी। कंपनियों में एक मालिक होता है, मैनेजर होता है, स्टाफ होता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं। ये कोई कंपनी नहीं, एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जैसे गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि। ये एक वर्किंग और नॉन वर्किंग कॉन्सेप्ट है, यानी काम करो तो अनलिमिटेड पैसा,
और काम नहीं करो तो भी पैसा। वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम जिसमें आप काम करके अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो और बिना काम के 32 लाख कमा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। सफलता आपसे छह चीज मांगती है, हृदय, हद से ज्यादा मेहनत, बुरी आदत का त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत, अपने काम पर विश्वास, धैर्य रखने की काबिलियत और अपने काम के प्रति जुनून। साथियों, अच्छे दिन घर बैठे रहने से नहीं आते, उनको पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने समझ लिया वो काम कर रहे हैं और बाकी सब अपना दिमाग चला रहे हैं। साथियों, 1,30,00,000,000 की आबादी भारत की, जिसमें अभी तक 30 लाख लोग जुड़ चुके हैं। साथियों, सौभाग्यशाली हो आप जो लोग पर्णवाइन से जुड़ चुके हैं, और सौभाग्यशाली वो भी हैं जो आज ये मीटिंग सुन रहे हैं और कल से उसमें एंट्री कर देंगे नए लोग। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। साथियों, 30 साल हो गए साउथ अमेरिका के देश में रहते हुए, ठीक है, मैं कामयाब हो गया, गुजारा मेरा होने लगा, गुजारा तो मेरा भारत में भी हो रहा था, मैं तो यहाँ करोड़पति बनने के लिए आया था, और वो करोड़पति मैं पर्णवाइन के द्वारा बन चुका हूँ कागजों में। साथियों, मैंने इतना काम कर लिया है, 15 महीनों में उंगली चला करके इतना काम कर लिया कि मैं अभी तक 7 लाख रुपए कमा चुका हूँ, और भारत में मैंने 1,050 लोगों की टीम खड़ी कर दी है। आप तो अपने घर में रह रहे हो, हैं? घर में रहते हो, आप नहीं कर पाए तो क्या होगा? त्यागन करिए आलस का। लोग बड़े आलसी हैं और सोचते नहीं। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्णवाइन का नाम, 150 देशों में पर्णवाइन को लोग जानते हैं। साथियों, भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में $1 में 75 रुपए होते हैं। यहाँ दूसरे देशों में उनके लिए कोई अहमियत नहीं है, सबके पास काम है, सबके पास बिजनेस है, वो इसलिए इतने ज्यादा उसको नहीं समझते। लेकिन भारत में मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब के लोग 20-20 लाख रुपया खर्च करते हैं कि उनको उनका एजेंट उन्हें किसी तरह से अमेरिका कनाडा भेज दे, जिससे वो जाकर डॉलरों में कमाए। लेकिन साथियों, आज आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका कनाडा इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश में बैठे बैठे पर्णवाइन के द्वारा डॉलर कमा सकते हो। मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हो। आज सारे संसार में है पर्णवाइन का नाम, पर्णवाइन का नाम ना इससे बढ़ के कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूल है उससे होई। कहे बोल सतपाल, अब आगे कदम बढ़ाओ। अरे मैं तो क्वार्ज हो गया, आप भी क्वार्ज हो जाओ। साथियों, क्वार्ज बनने तक मुझे पता ही नहीं था कि कोई जूम मीटिंग भी होती है। मेरे अपलाइन मुकेश कुमार पंडित उनके ऊपर है, राम संजीवन और शेर सिंह जी, उन्होंने शुरू में थोड़ी थोड़ी मदद की, बाद में उन्होंने देखा ये तो 8वीं लाइन से नीचे चले गए, बाद में वो तो मेरा हालचाल भी नहीं जानते अभी। लेकिन मुकेश कुमार पंडित अभी तक मेरा काम कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से तैयार करता हूँ, तैयार करके उनको बोलता हूँ मुकेश जी से कॉन्टेक्ट करो, वो पैसे भेज देते हैं, वो उनके एंट्री करा देते हैं। इस तरह से मैंने अपनी टीम बनाई है। साथियों, ये ऐसा काम है, कहे बोल सतपाल, अब आगे कदम बढ़ाओ। मैं तो क्वार्ज हो गया, आप भी क्वार्ज हो जाओ। साथियों, निश्चय करना पड़ेगा आपको क्वार्ज होने के लिए। बताना चाहता हूँ, हाँ, अच्छे दिन घर बैठे से नहीं आएंगे, उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अभी मैं आज यहाँ सुबह के 12:45 बजे, देखिए कितना अंतर है, इंडिया में सुबह गर्मी और यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 3 दिन पहले ही मुझे इन्होंने पंडित जी ने कहा, बोझ जी आपको हमारी मीटिंग में आना। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, और क्योंकि मैं बराबर मीटिंग अटेंड करता हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे देख करके पर्णवाइन में महिलाएं, अरे लड़कियां, एक से एक महिलाएं आगे बढ़कर नारी शक्ति उभर करके आई है। इसलिए नारी नर की खान है जाने जगत जहान, माँ बहन बेटी वे दादी पत्नी का पद है महान, पत्नी पद है महान सृष्टि की ये उत्पत्ति, और पुरुष ना कुछ बन पाए यदि नारी ना साथी। कहे वो सतपाल, नारी को इज्जत दीजिए, और माँ से बड़ा भगवान ना कोई, समझ लीजिए मैंने बता दिया, एक माँ सबसे बड़ा भगवान है। साथियों, क्या उद्देश्य है आपके हमारे जीवन का, क्या चाहते हैं हम लोग आदमी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दो चीजें, सुख और सम्मान, दो चीज चाहते हैं हम। और सुख होते हैं 4 प्रकार के, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। तो इनमें जो सबसे पहला सुख है निरोगी काया, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जान है वरना शमशान है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा भोजन चाहिए, काजू बादाम किशमिश अखरोट चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। साथियों, मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ,
यहाँ भी लोगों को समझाता हूँ, भारत के लोगों को भी समझाता हूँ, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी चाहे कैसा भी कोरोना आ जाए, कैसी भी बीमारी हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 71 साल उम्र है मेरी, अभी तक वही एनर्जी है, क्योंकि मैं पालन करता हूँ इस चीज का। और ये सब चीज के लिए, काजू बादाम अखरोट के लिए, फ्रूट खाने को कहते हैं लोग, कहते पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है भाई, मैं समझता हूँ, क्योंकि सुख और सम्मान के लिए चाहिए पैसा। पैसा ऐसी चीज समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो नहीं काम ये सब क्या है। पढ़ ऐसा कहीं मैं आऊं न जाऊं, घर बैठे उंगलिया मोबाइल पर ही चलाऊं। कहे वो सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा है आपसे भले की बात? आपका अपलाइन, आपका गुरु। गुरु गुरु जमारो गुमने अंधेरा रूमने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश में लाने वाला ही गुरु होता है। आपका अपलाइन जिसने आपको इसमें एंट्री की, और ये जो टीम लीडर जिन्होंने जूम मीटिंग बना करके ये सिस्टम शुरू किया, आपको सिखा रहे हैं। साथियों अभी तक 14 देश घूम चुका हूँ, 50 बार हवाई जहाज की यात्रा कर चुका हूँ। बता रहा हूँ अभी तक आपको दुनिया में ये दूसरा सिस्टम है। पहला था सत्यनारायण गोयनका जी ने सारी दुनिया में सेंटर खोले, आओ विपसना ध्यान साधना करना सीखो, 10 दिन तक वहीं रखेंगे, वो खाना नाश्ता सब कुछ देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। या तो वो है, उसके बाद आज दुनिया में दूसरा सिस्टम है ये देख रहा हूँ, पर्लवाइन निःशुल्क और निस्वार्थ। देखिए एक पैसा नहीं लेते और इतना अच्छा ज्ञान आपको देते हैं। आप इसमें आइए, गुरु की बात सुनिए, लीडरों की बात सुनिए, और बन जाइए पारस पथरी। ये तो पारस पथरी है, पारस पथरी का नाम सुना देखा नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये पर्लवाइन पारस पथरी है। आप खुद भी सोना बने, और टच करते ही लोहे को सोना बना देता है। दूसरों को भी समझाओ, आप भी सोना बन जाओ, आपके पास भी कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों ऐसा है ये पर्लवाइन सिस्टम, क्या बताऊं मैं इसके बारे में। मैं तो 2-3 घंटे बोल सकता हूं, समझा सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमें दूसरे लोगों को भी सुनना पड़ता है। साथियों एक कहानी बताता हूं, 2500 साल पहले की कहानी बता रहा हूं आपको मैं, सुनिए गौर से। एक राजा के पास कई हाथी थे। पहला राजा लोग आपने देखा होगा पोरुष सिकंदर की लड़ाई, हाथी हाथी होते थे। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी था, समझदार, वे युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में वो भेजा गया, वह राजा का विजय, राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था, इसलिए वह महाराजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि जब वह वृद्ध दिखने लगा, अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धस गया और वो फिर धसता ही चला गया। उसी हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस समय कीचड़ से स्वयं को निकाल नहीं पाया। उसके चिंगारने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी तथागत बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप ही हमें इस विकट परिस्थिति के मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबके घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वो फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे युद्ध के नगाड़े बजने लगे, प्रारंभ हुए, वैसे उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर सबको हाथ पर करते हुए स्वयं को कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार की थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए और निराशा को हावी ना होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति ये मान लेता है कि अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उससे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। साथियों ये जूम मीटिंग क्या दे रही है आपको? जिस तरह से नगाड़े बजते हाथी को उत्साह मिला और वो खड़ा हो गया, उसमें जान आ गई, उसी तरह से ये जूम मीटिंग आपको उत्साह देती है। आप सोच सोच के, मैंने उस कंपनी में काम किया, उसमें मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं क्या करूंगा इसमें जुड़ करके, लेकिन नहीं, पर्लवाइन की ये जूम मीटिंग ये आपको उत्साहित करती है, ये आपको बताती है
सबक लीजिए मुझसे, 71 साल का आदमी दोबारा जवान होते जा रहा हूँ पलवाइन के कारण। कारण क्या? किसी आदमी को आप मैंने पहन रखा सूट, 20,000 का सूट पहना दो खाली जेब, उसको कहो जा भाई वहां मॉल में घूमिया, मेले में घूमिया, उसके चेहरे पे पीलापन रहेगा, पैसा तो है ही नहीं जेब में। उसी आदमी को आप कुर्ता पजामा भेज दो, पहना दो, 50,000 रुपए उसकी जेब में डाल दो, उसको कह मेला देखिया, या उसके चेहरे का रंग देखने वाला होगा, ऐसी खुशी होगी चेहरे पर। साथियों, जब मैं 1997 में भारत गया था, मेरी माँ बिस्तर पर कोई कोई सांस चल रहा था, बुखार में तड़फ रही थी, जैसे मैं पहुंचा, माँ मैं आ गया, अरे माँ तुझे तो बुखार है, देखते ही उसमें ऐसी एनर्जी आई खुशी के मारे, और फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों के बंडल, माँ ले तेरा बेटा कामयाब हुआ, तूने आशीर्वाद दिया, ये ले पैसे, और घर में 10 किलो लड्डू लाकर रख दिए, माँ अब लोग तुझसे मिलने के लिए आएंगे और कहेंगे तेरा बेटा आएगा, उनको फौरन कह लो भाई लड्डू खाओ। साथियों, 10 दिन के अंदर मेरी माँ ऐसी हो गई, कोई कह नहीं सकता था 90 साल की। माँ बता क्या चाहिए तुझे, माँ तू मेरा भगवान है, तू जो कह मैं वो करने को तैयार हूँ। बोली अच्छा बेटा मुझे मेरे मैके ले जा, गाजियाबाद से आगे दादरी है, दादरी के पास एक गाँव है उनका प्यावली, वहां की थी वो, तो मैंने स्कूटर मांगा अपनी पत्नी के भाई का, और लेकर के माँ को, माँ की बहुत बेहतरीन सुंदर सफेद साड़ी, क्योंकि पिताजी मेरे 84 में अखबार हो गए थे, बेहतरीन सुंदर साड़ी एक सोल पहना करके लेके गया। जब मैं पहुंचा वहां, उसका भाई बोला रे रूपवती तू तो मरने वाली थी, पता चल रहा था वो तो कोई मर जाएगी, ये क्या हुआ? अरे ये चमत्कार मेरा बेटा है, देख मुझे इतनी खुशी मिली, मैं ठीक हो गई। साथियों, खुशी ऐसी चीज है, पैसा ऐसी चीज है कि उससे खुशी मिलती है। पर्डवाइन में जब मैं आया और मैं देखिए पर्ड हुआ, कोरल हुआ, ओनेक्स हुआ, क्वार्ज हुआ, अरे हुआ, और जब एक्सेलसियर हुआ और मेरी पत्नी ने क्लिक कर दिया और 1,89,000 रुपए जब हमें मिले, और मुझे मिले, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे मिले 9,000, 2,00,000 रुपए पक्के हो गए, क्योंकि मेरी माँ स्वरूपी देवी दिल्ली में रहती है, वो फोन करती है अपनी बेटी को, बेटी एक बार आखिरी बार और मिल जा। बोली माँ प्रकृति ने, मेरा आदमी पर्डवाइन में काम कर रहा है, 2,00,000 रुपए हमारे हाथ में 2 टिकट के, लेकिन क्या करें ये कोरोना का भी कहर चल रहा है, माँ जैसे कोरोना शांत होगा मैं मेरा पति दोनों आएंगे तुझसे मिलने के लिए। तो साथियों मैं बता रहा हूँ, पैसा ऐसी चीज समझते सभी मिटाए, सब कुछ तो नहीं काम, ये सब क्या है, कहे बुद्ध सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात तुम उसकी मानो। आज किसी को कहते हैं तो लोग बहाने करते हैं, मेरा उसमें चला गया, मेरा उसमें चला गया। इसलिए साथियों बताना चाहता हूँ, जिसने गंवाया पैसा अब तक यहाँ और वहाँ, सिस्टम मिलेगा नहीं ढूंढ लो सारा जहाँ, डेनियल जॉनसन का कमाल पर्डवाइन नंबर वन है, अच्छा बनाया देखो प्लान पर्डवाइन नंबर वन है। साथियों नौकरी में क्या मिलेगा आपको, मुझे देखिए आप, 30 सालों में मैं यहाँ करोड़पति नहीं बन सका, गुजारा करता रहा, गुजारा तो मेरा इंडिया में हो रहा था, नौकरी में तो बस गुजारा ही करोगे, किराए के मकान में यूं कब तक रहोगे, समझो पर्डवाइन को चिंता मिटाओ, अपने सपनों को जल्दी साकार बनाओ, हो जाओगे मालामाल पर्डवाइन नंबर वन है, ऐसा बनाया देखो प्लान पर्डवाइन नंबर वन है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देकर काबिल बनाना, चाहते हैं सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई, पर्डवाइन से होगी अच्छी कमाई, भेजो कनाडा चाहे भेजो जापान में, आईएएस बनाओ अपने भारत महान में, हो जाओगे मालामाल पर्डवाइन नंबर वन है, डेनियल जॉनसन का कमाल पर्डवाइन नंबर वन है। साथियों करोड़पति बनने के लिए 10-20 लाख रुपए शुरू करने पड़ते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ न 10-20 लाख रुपए इसमें है लगाना, 2,250 से बस अंदर है आना, धैर्य रखना होगा बस 1 साल तक, 4 साथी को जोड़ो हो जाओ माला माल तक, चिंता रहे ना किसी हाल पर्डवाइन नंबर वन है, डेनियल जॉनसन का कमाल पर्डवाइन नंबर वन है। साथियों मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, मूसावादा वेरमणि सिक्का पतंग समाधि में पाली भाषा का चौथा शील है, मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अनुभव आप बीती अपनी मैं बताऊं, साउथ अमेरिका से जब भारत में जाऊं, बैंक से कर्ज लेकर टिकट बनाता रहा, अपनी पत्नी को पत्नी भी चाहती मगर अकेला ही जाता रहा, अब तक रहा था मलाल पर्डवाइन नंबर वन है, डेनियल जॉनसन का कमाल पर्डवाइन नंबर वन है।
जब जब भी मैं भारत जाता मेरी पत्नी कहती मुझे भी ले चलो, मम्मी इतना पैसा नहीं है, 1 लाख रुपए का टिकट 1 लाख पॉकेट में चाहिए, फिर भी क्योंकि मैं पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, माता पिता के बाद मैं दूसरा सम्मान देता हूँ पत्नी को, इसलिए 2 बार उसकी माँ से मिला करके लाया। पर्ल कोरल होने समय खिस्ट पाज रूबी, बन जाओगे अरबपति, ये है इसकी खूबी, मोबाइल पे अपनी उंगलियां चलाओ, ना कुछ खरीदो ना कुछ बेचो, और ना कुछ खरीदो बेचो और ना कहीं जाओ, हो जाएगा कमाल, पर्लवाई नंबर वन है, डेनियल जॉनसन का कमाल, पर्लवाई नंबर वन है। साथियों समझा रहा था मैं, एक बोला जी मेरी तो हिम्मत नहीं, मैं कहां जाऊं कैसे किसको बताऊं, अरे अरे मित्रों रिश्तेदारों की करो सूची तैयार, धर्म बल्ले मना जात पात का मन में करो विचार, मन में करो विचार सभी हम भारतवासी, जीएसटी भारत की हो गई उदासी, कहे बोध सतपाल पर्लवाइन समझाओ, और खुद भी बनो औरों को आत्मनिर्भर बनाओ, भारत का प्रधानमंत्री कहता आत्मनिर्भर बनो। तो साथियों बताना चाहता हूँ दुनिया के तख्ते पर ऐसा प्लान ऐसा सिस्टम आपको ऐसा बैंक नहीं मिलेगा जिससे आप आत्मनिर्भर हो सके, इसलिए करो एफडी अमेरिका के बैंक में भैया, और केवल 2250 से लगेगी पार ये नैया, 6 साल में 32 लाख तुम्हें मिल जाएंगे, और रिश्तेदार पड़ोसी तुम्हें भी मान जाएंगे, बच्चे हो कामयाब करो जब उनकी शादी पर्लवाइन ने दुनिया में करवाई मन्ना दी, कहे बोध सतपाल ये, कहे बोध सतपाल ये करवाई मुनादी, और जो पर्लवाइन ने दुनिया में करवाई मना दी, और बच्चे हो कामयाब करो जब उनकी शादी, कहे बोध सतपाल ये बातें सच्ची जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। तो साथियों लग रहा है मैं ओवर हो रहा हूँ, ज्यादा समय ले रहा हूँ, इसलिए यही समाप्त करता हूँ। आपका भला हो औरों का भी भला करना, सिस्टम आजीवन चले बिल्कुल न डरना, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाओ, गरीबी अमीरी का अंतर मिटाओ, सभी रहेंगे खुशहाल, पर्लवाइन नंबर वन है, डेनियल जॉनसन का कमाल, पर्लवाइन नंबर वन है। कितने अच्छे लीडर हैं इसमें, सीनियर लीडर हैं, अच्छे काम, ये है सच्चा, पर्लवाइन को जानेगा बच्चा बच्चा, मैं 70-71 साल का ये अनुभव बताता हूँ, पर्लवाइन को मैं तो सबको ही समझाता हूँ, सतपाल बोध को अब नाम लाल, पर्लवाइन नंबर वन है, डेनियल जॉनसन का कमाल, पर्लवाइन नंबर वन है। मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया, साथियों क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत है पर्लवाइन का ही पर शुरू हो जाऊं, मैं तो 2-3 घंटे बोलने की क्षमता रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ये वंदना करते हुए, सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणी पश्यंतु महाकंची दुख मागमा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सबके भले में अपना भला है, इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हस्ता लुएगो, मुचीसिमा ग्रासिया, यानी मैंने मैंने थैंक्स, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, 12 बजने जा रहे हैं यहाँ, तो मुझे पत्नी के साथ 1 बजे निकलना है, उनके ग्रीन कार्ड को उसका रिन्यू कराना है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ ज्यादा समय ले लिया, फिर मिलेंगे, हस्ता लुएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर सत्यपाल, बहुत